हाँ भैया, तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर, मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। दोस्तों यार, हम लोगों को बहुत टाइम से ग्लोबल रैंक वन करना था सीडब्ल्यूएल के अंदर, और वो सपना भाई आज की वीडियो में पूरा होने जा रहा है। आज की मैच में अगर हम लोगों ने 45 स्टार्स कर दिए तो भाई हमारी ग्लोबल रैंक वन कंफर्म हो जाएगी। तो भाई साहब एंड तक वीडियो देखना, एंड में ही हम लोगों को पता चलेगा हम लोगों को ग्लोबल रैंक वन मिलेगी इस मैच के बाद या फिर नहीं। ग्लोबल रैंक वन करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने इंडियन क्लैन हर्षु किंगडम से खेल रहे हैं, और फिलहाल हमारा स्कोर देख लो गाइस, 7 मैच के अंदर 325 स्टार्स हो चुके हैं, और इस मैच में अगर हम लोगों ने 45 मार दिया तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को ग्लोबल रैंक वन होने से फिलहाल। अरे बाप रे, ये तो अच्छा हो गया, मैंने आर्मी चेक कर ली भाई साहब। यहाँ पे आर्मी उड़ा लेता हूँ भाई साहब जेम्स के साथ। ओके, नंबर 15 पे चलेंगे अभी हम लोग अटैक करने के लिए, और हम लोगों को जल्दी जल्दी भी अटैक करना पड़ेगा यार, क्योंकि ना यहाँ पे एक सीन हो चुका है छोटा सा। नंबर 2 पे एक क्लैन है सेम सादिया करके, उस क्लैन का स्कोर भी हमारे क्लैन के स्कोर जितना ही है, इवन डिस्ट्रक्शन भी सेम है हमारा और उनका। तो भाई हमारे लिए तो ये मैच के अंदर 45 स्टार्स मारना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई। सबसे पहले अपने को खत्म करना है इस बेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो भाई ये सुपर सेल के ऊपर डिपेंड करता है भाई, सुपर सेल उनको रैंक वन देगा या हमको रैंक वन देगा, क्योंकि उनका भी स्कोर सेम है भाई, इवन डिस्ट्रक्शन और स्टार्स भी सेम है हम दोनों टीम्स के। तो भाई कहीं सीन ना हो जाए कि कहीं हमको सुपर सेल #2 पे ना डाल दे और उनको #1 पे ना डाल दे। चलो चलो चलो, कमोन, मेरे हिसाब से तो ये निपट चुका है दोस्तों। भाई साहब वक्त 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 खींचना है, वक्त खींचना है भाई, कितना खींच रहा हूँ भाई वक्त। चलो 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 भाई, खत्म हो गया दोस्तों ये वाला बेस तो। बाप रे दोस्तों, आर्मी रुक गई मेरी। चलो भाई साहब क्या बात है, कितने टाइम में कर दिया हम लोगों ने, 1:11 आई थिंक। ठीक है भाई साहब, आओ दोस्तों हमारी साइड से अगला अटैक स्टार्स कर रहा है। अब स्टार्स का अटैक देते, और स्टार्स इज अ ओपी प्लेयर गाइस। स्टार्स यहाँ पे कर रहा है लावालून आर्मी के साथ अटैक, स्टार्स की ये सिग्नेचर आर्मी है। स्टार्स कर रहे हैं अपनी सिग्नेचर आर्मी के साथ अटैक, होपफुली इस मैच में 45 पड़े। 45 पड़ गए तो भाई डन हो जाएगा हमारा रैंक वन। यार कैसे डन हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। सुपर सेल प्लीज हमको दे देना रैंक वन, क्योंकि भाई नंबर 1 और 2 का तो स्कोर सेम रहेगा अगर हमारे 45 हो जाते हैं तो। लेट्स गो। तो फिलहाल यहाँ पे किंग जा रहा है एक कंपार्टमेंट के अंदर, और क्वीन जा रही है भाई साहब टाउन हॉल की तरफ। वेरी नाइस जॉब किंग की एबिलिटी में भाई, स्टार्स को यहाँ से पूरा कंपार्टमेंट मिल जाएगा। क्वीन के लिए वॉल ब्रेक दिया है, वेरी नाइस जॉब। 3 बलून्स है, सॉरी 3 लावा हॉर्न से और 27 बलून्स है। अरे रे 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 भाई, एक लावा हॉर्न ने क्या ही ट्रिगर करे भाई सारे सारे रेड बम्स, मजा ही आ गया। पॉइजन स्पेल को डिप्लॉय करा गया है, यहाँ से आ चुके हैं ट्रिपल आइस गोलम सीसी के अंदर से। आप रिवॉर्डन की एबिलिटी दे ही नहीं रहा स्टार्स, क्या बात है। यहाँ पे बैटल ड्रिल, ड्रिल मशीन को डिप्लॉय कर दिया, ऊपर की साइड से भी लालो चालू कर दिया भाई। यार ग्लोबल रैंक वन अगर हो जाए ना भाई, बहुत खुशी मिलेगी भाई, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, स्पेशली मी बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि यार जिस क्लैन में मैं खेलूँ एटलीस्ट वो क्लैन एक बार ग्लोबल रैंक वन हो जाए सीडब्ल्यूएल के अंदर। और भाई हम लोग बहुत क्लोज है, मेरे को लग रहा है अभी मेरे आंखों के सामने वो दिख रहा है रैंक वन, पर होपफुली हो जाए। अभी जब आप लोग ये वीडियो आएगी तब तक आप लोग शायद सीडब्ल्यूएल ख़त्म हो जाएगी, तब तक आप लोग देख पाओगे सीडब्ल्यूएल के रैंकिंग्स के अंदर। आई थिंक 11 तारीख को हो जाएगा मे बी सीडब्ल्यूएल का रैंकिंग पब्लिश हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर आप लोग सीडब्ल्यूएल का रैंकिंग दे सकते हो वहाँ पे शायद देखने को मिल जाए हर्षु किंगडम क्लैन आपको। ओके दोस्तों, अगेन स्टार्स आ चुका है अटैक के लिए। 7 लाइटनिंग 1 अर्थक्वेक स्पेल, सेम आर्मी लावालून की, पर यहाँ पे 3 मल्टी इन्फिर्नोज है, और ये वाला बेस ना यार थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो देखते हैं भाई स्टार्स भैया का प्लान क्या होता है इस बेस के ऊपर लावालून के लिए, क्योंकि यार टाउन हॉल तो सेंटर में रखा हुआ है। ओके, अर्थक्वेक डिप्लॉय करके जैप डिप्लॉय कर दिया, वहां से क्वीन मल्टी और एक्सबो को डाउन करा गया है, आर्चर क्वीन को उतार दिया ऊपर की साइड पे 12 o'clock के वहां पे, उसी के साथ आर्चर को डिप्लॉय करा गया है। अरे बाप रे, चलो स्टार्स को ये चीज़ तो समझ आ गई कि भाई कॉर्नर टेस्लाज रखे हैं, तो स्टार्टिंग में ही स्टार्स उनको टेकडाउन करने का काम कर रहा है। ओके, वॉल ब्रेकर्स 2 हैं, तो मेरे हिसाब से क्वीन चली जाएगी यहाँ से
वो ईगल कंपार्टमेंट के अंदर। आओ भाई स्टार्स का अटैक प्रिडिक्ट करते, क्वीन वहां से जाएगी और एनिमी आरसी की साइड से शायद स्टार्स लालो चालू कर दे। देखते हैं दोस्तों क्या अपन सही रहते हैं या फिर गलत होता है। ठीक है आइस गोलू आ चुका है, पर किंग तो यार कहाँ जा रहा है भैया? किंग तो अंदर आ गया, आई थिंक बाहर लेके जाना चाहता था क्या स्टार्स किंग को, पता नहीं अंदर की साइड पे आ चुका है। वॉल ब्रेक दे दिया, चलो यहाँ से वॉल ब्रेक सक्सेसफुली हो चुका है, वेरी नाइस। किंग वहाँ पे जा चुका है, स्टार्स का सुई देख लो भाई साहब, एक मिनट हो चुका है, सुई हो रही है अभी भी। चलो किंग के साथ काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल गई, क्वीन के साथ यहाँ से ये वाला मल्टी भी मिल जाएगा। अभी देखो यार बेस के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, मल्टी तो मिल चुका है भाई क्वीन के साथ। एक और वॉल ब्रेकर स्टार्स के पास होता तो क्या ही मजा आता। नहीं अरे बाप रे, स्टार्स ने लालो तो डायरेक्ट ये मल्टी से चालू कर दिया, आरसी को भी डाल दिया, बलून्स डाल दिए ढेर सारे, ब्लिंप को उतार दिया, बुढ़ाऊ की एबिलिटी दे दी, सारे के सारे बलून्स बुढ़े की एबिलिटी के अंदर आ गए। देखो मजा आ गया देख के, क्वीन के पास एबिलिटी है, क्वीन वहां से टेक डाउन कर लेगी स्कैटर को। अरे यार टूर्नेडो में फंस गया भाई ब्लिंप, लेकिन चलो पहुंच जाएगी ब्लिंप सक्सेसफुली, सक्सेसफुली ब्लिंप पहुंच गई और टाउन हॉल तो मिल ही जाएगा। नाइस फ्रिज स्पेल बाय स्टार्स, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी के अंदर से हॉक्स निकल चुके हैं भाई, खत्म कर दिया इस बेस को। अभी भी एक लाइटनिंग बचा हुआ है, लाइटनिंग डाल देगा स्टार्स कहीं ना कहीं, खत्म भाई। देखो एक मिनट तक हीरो सुई हुआ, एक मिनट में लालो ने पूरा बेस साफ कर दिया, मजा ही आ गया। और मिनियंस वगैरह क्लीनअप के लिए है अपने यहाँ पे, रॉयल चैंपियन फुल हेल्थ के साथ अभी भी जिंदा बची है भाई साहब, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, रैंक वन होएगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, हो गया भाई ये ट्रिपल। ओके दोस्तों स्टार्स अगेन लालो, इस बार 29 बलून्स के साथ आ चुका है, और ये सेंट्रल टाउन हॉल वाला यार बॉक्स बेस है, रिंग बेस बॉक्स बेस जो भी है। ओके क्वीन को डिप्लॉय करा है और जैप के अंदर टेक डाउन करा है यहाँ पे स्कैटर शॉट एक्सबो मल्टी आर्चर टावर। ओके नाइस वैल्यू, यहाँ पे यार दो सिंगल इन्फिर्नोज है, एक मल्टी इन्फिर्नो है, तो भाई साहब देखना पड़ेगा स्टार्स लालो कहाँ से करता है और क्वीन हीरोसुई कहाँ चल रही है भाई, अभी तक तो मेरे समझ नहीं आई है क्वीन के साथ कहाँ तक लेके जाना चाहेगा क्वीन को। मेरे हिसाब से स्टार्स यहाँ पे पाथ बना रहा है अपने हीरोज के साथ, ये काफ़ी अच्छी बात है। लालो देखना पड़ेगा स्टार्स का कहाँ से होता है इस बेस के ऊपर। ओके 29 बलून्स, 3 लाहौंड, 1 आइस गोलम, नाइस 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 गोइंग। मिनियन डिप्लॉय करा है भाई स्टोरेज के ऊपर, एलिक्सर डार्क एलिक्सर स्टोरेज के ऊपर। किंग अभी तक डिप्लॉय हुआ नहीं है, ये लो भाई किंग को भी डिप्लॉय कर दिया। किंग यहाँ से इस साइड पे आके अंदर की साइड पे घुस जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बिल्कुल अंदर की साइड पे ही घुसेगा स्टार्स ना। यार यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब हीरो उसको कहीं लेके जाना होता है ना इसको कंपार्टमेंट के अंदर इधर उधर, स्टार्स कभी भी फनल के लिए कोई ट्रिप नहीं डालता, मतलब हीरो उसकी पोजिशन ही ऐसे डाल देता है कि वो उधर ही जाएगा। ओके तो बार्बेरियन किंग जा चुका है भाई साहब यहाँ से अंदर, लेकिन वापस बाहर आ गया भाई क्योंकि एनिमी का किंग बाहर आ गया था। तो यार स्टार्स की जो किंग की एबिलिटी है यार, अरे बाप रे वॉल तोड़ दी यहाँ पे, क्या बात है। और ये जो नई स्किन है भाई क्या ही खतरनाक लग रही है, पॉइजन स्पेल डिप्लॉय कर दिया आइस गोलम्स के ऊपर और लालो उधर से ही चालू कर दिया। देखो ये वाला मल्टी हीरोज के साथ मिल ही जाएगा स्टार्स को, और पूरे बेस के अंदर सिंगल बचेंगे भाई, सिंगल तो लालो का उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ब्लिंप को डिप्लॉय करा गया है, बुढ़ो की एबिलिटी आ गई, लावा हॉन्ड को बुढ़े की एबिलिटी के अंदर सर्वाइव करवा लिया। देखो रेज ऐसे डाला है जिससे कि सीसी के ट्रुप्स भी रेज के अंदर आए, बलून्स भी रेज के अंदर आए, वेरी नाइस जॉब। स्केलेटन स्पेल डिप्लॉय करा है यहाँ पे मोनोलिथ के ऊपर, ढेर सारे बलून्स अभी भी बचे हुए हैं, एक फ्रीज है, एक हेस्ट है, रॉयल चैंपियन और क्वीन दोनों के पास एबिलिटी है भाई। हीरो सुई क्या ही करता है भाई, ये बंदा अलग लेवल की हीरो सुई करता है, मजा आ गया भाई देख के ही इसका अटैक मजा आ जाता है। 3 हिलर्स निकल चुकी है क्वीन के पेट के अंदर से और बेस खत्म दोस्तों, एक दर्जन से ज़्यादा बलून्स अभी भी स्टार्स के पास बचे हुए हैं भाई। बड़ा मज़ा आता है रूट राइडर्स के अटैक्स छोड़ के, ये वाले अटैक्स देखने में बड़ा मज़ा आता है, पर रूट राइडर से ट्रिपल होते हैं भाई साहब। आ जाओ दोस्तों स्टार्स भाई साहब आ चुके हैं वापस, 7 लाइटनिंग 1 अर्थक्वेक और इस बार 27 बलून्स, ये क्या सीन है भाई, 27 और 29 बलून्स का क्या सीन है। यहाँ पे देखो भाई काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली गई है, मल्टी निकाला गया है, पॉइजन स्पेल टावर को निकाला गया है, एक्सबो भी निकाला गया है उसी के साथ, आई थिंक और भी कुछ निकाला है क्या, निकाला होगा कुछ ना कुछ, ये आई थिंक बिल्डर हट को निकाला होगा। अब देखो हीरो सुई यहाँ से क्या होएगी देखते हैं, बलून्स को भी डिप्लॉय करा गया है बट यहाँ से निकल चुके हैं टेस्ला फार्म, कहीं ये टेस्ला फार्म क्वीन की पातिंग ना खराब कर दे, क्या लगता है करेंगे क्या खराब,
मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, क्वीन नीचे वाली साइड पे आएगी। वॉल ब्रेक दे दिया, पर वॉल ब्रेक क्यों दिया, ऐसे ही दे दिया होगा। क्वीन की एबिलिटी जल्दी यूज कर ली, किंग को डिप्लॉय करा है, अभी भी एक वॉल ब्रेक है, वॉल ब्रेक को भी डिप्लॉय कर दिया, एक रेज है, दो फ्रीज है। भाई ये वाला अटैक मेरे को खतरे में लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। क्वीन की एबिलिटी जा चुकी है यहाँ पे, हिलर्स है क्वीन के ऊपर तो भाई जिंदा है। हेड हंटर को बिल्कुल सही टाइम पे डिप्लॉय करा है भाई एनिमी किंग के ऊपर। भाई क्वीन का बचना मुश्किल है भाई, मर जाएगी, दब जाएगी, दब गई, बच गई, दब गई, लगी रहा था दब जाएगी। और किंग यार, इनकी एबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं निकाल पाई, 40% की वैल्यू तो चलो फिर भी मिल चुकी है, लेकिन यार बेस के अंदर ना अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लालों को दिक्कत दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या स्टार्स रिकवर कर पाएगा भाई ये वाला अटैक, क्या लगता है भाई? चलो एबिलिटी तो बुड्ढे की सही बैठी है, सिर्फ दो बलून्स नहीं आए बुड्ढे की एबिलिटी के अंदर, बाकी सब सही था। रेड स्पेल डिप्लॉय कर दिया है, वेरी नाइस। रॉयल चैंपियन भी आ चुकी है, फ्रीज डिप्लॉय कर दिया, ओके। रॉयल चैंपियन है भाई, जिंदा है अभी भी, ऊपर से भी लालो चालू कर दिया, दो बलून्स और एक फ्रीज है भाई साहब, खतरे में लग रहा है अटैक मेरे को। स्कैटर शॉट भी जिंदा है अभी भी, अरे देवा ये क्या हो गया भाई, ये फेल नहीं होना चाहिए भाई। नाइस, क्या ही फ्रीज डाला है भाई, तीन डिफेंसेस को फ्रीज कर दिया, वेरी नाइस जॉब। आरसी किधर है, आरसी ये हॉक्स बचे हुए हैं, आरसी जिंदा है भाई, खत्म है भाई, कहां से कहां ले गया भाई ये बंदा अटैक यार, लिटरली। देख के लग रहा था स्टार्टिंग में कि भाई हीरो सुई फेल हो गई, तो यार फेल हो सकता है, बट बंदे ने क्या ही ट्रिपल मारा है, क्या ही रिकवर मारा है अटैक को। ये लो दोस्तों, एक और थ्री स्टार अटैक आ गया स्टार्स की तरफ। ओके भाई साहब, स्टार्स का एक और अटैक आ चुका है, इस बार 28 बलून्स, 27, 28, 29 इतने ही बलून्स लेके जाता है भाई स्टार्स। और ये वाला बेस यार थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है मेरे को, मोनलिथ का मतलब लोकेशन देखो भाई कहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा अजीब बेस लग रहा है, देखते भाई क्या होता है इस बेस के ऊपर। ओके, लाइटनिंग के साथ टेकडाउन करा है, मल्टी आर्चर टावर, मल्टी इन्फिर्नो, ओके चलो ये भी सही है। क्वीन को डिप्लॉय करा है भाई, क्वीन किंग को भी डिप्लॉय कर दिया, जायंट को डाल के यहाँ पे सुपर बारबेरियंस का इस्तेमाल करा है। वॉल ब्रेकर नहीं है, वॉल ब्रेकर लेके आया ही नहीं है स्टार्स यहाँ पे कोई भी, ओके। क्वीन देखो भाई क्लीन अप का काम कर रही है, मेरे हिसाब से किंग के साथ टाउन हॉल लेना चाहता है लिटरली, मिलेगा क्या, क्योंकि किंग की हेल्थ तो देखो भाई बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। कम ऑन भाई, चलो किंग की एबिलिटी दे दी, वेरी नाइस भाई साहब, किंग की एबिलिटी खत्म हो रही है भाई, टाउन हॉल मिलेगा ना। अबे यार टूर्नेडो निकल गया, पॉइंट स्पेल डिप्लॉय कर दिया है आइस गोलम्स के ऊपर, फ्रीज भी डिप्लॉय कर दिया ताकि किंग सबसे पहले निकाले टाउन हॉल को, पर निकाल पाएगा ना। अबे यार किंग, अब नहीं भैया, भाई साहब होपफुली मिल जाए टाउन हॉल, मिल गया थैंक गॉड, चलो टाउन हॉल मिल चुका है, अभी तो खत्म हो जाएगा ये बेस नो डाउट। ओके, लालो चालू कर दिया क्वीन के ऊपर, भाई साहब हिलर्स आ चुकी है क्वीन के पेट के अंदर से, मतलब ये क्वीन चार्ज चालू हो चुका है, वेरी नाइस। स्केलेटन स्पेल डिप्लॉय कर दिया बिल्कुल सही जगह पे, मॉनली डिस्ट्रैक्टेड रहेगा एटलीस्ट अभी। ओके, लावा लून के अंदर भाई साहब ढेर सारे बलून्स बचे हुए हैं, लावा को भी डिप्लॉय कर दिया, हेड हंटर्स डिप्लॉय कर दिए, रेज डिप्लॉय करके बुड्ढे की एबिलिटी मार दी, और यहाँ पे भाई साहब डिप्लॉय कर दिया है ड्रिल मशीन को मल्टी इन्फिर्नो के ऊपर, चलो अच्छी बात है, अभी ये ड्रिल मशीन टेकडाउन कर लेगा दोनों मल्टी इन्फिर्नोस को, क्या ही प्लान था भाई बंदे का दोनों मल्टीस टेकडाउन करने का, वेरी नाइस प्लान बाय स्टार्स, मजा आ गया। खत्म हो गया दोस्तों ये वाला बेस, यहाँ पे ढेर सारे बलून्स, दो दर्जन बलून्स तो आराम से बचे होंगे यहाँ पे, और क्वीन चार्ज स्टार्स का अभी भी चल रहा है, क्वीन वॉल तोड़ रही है। अब मेरे को लग रहा है दोस्तों हम लोग बहुत 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 ही नज़दीक है ग्लोबल रैंक 1 के। चलो दोस्तों ये वाला बेस भी स्टार्स ने ट्रिपल मार दिया। अभी देखो भाई साहब हमारी साइड से क्लाउज भाई साहब आ चुका है अटैक के लिए, क्लाउज भाई साहब अपनी वही लेजेंडरी आर्मी कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक आर्मी है भाई ये क्लाउज की, मैं कॉपी कर रहा हूँ भाई क्लाउज की, ये वाली आर्मी एक नंबर काम करती है भाई, ये वाली आर्मी देख के मज़ा आ गया। देखो भाई क्लाउज ने सीज बैरक डिप्लॉय करके, क्वीन को डिप्लॉय करके, सारे के सारे अपने रूट राइडर्स को डिप्लॉय कर दिया,
ओके बुढ़े की एबिलिटी आ जा 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 भाई। बुढ़े की एबिलिटी नहीं दे रहा भाई, बोल रहा नहीं दूंगा, दे दिया फाइनली। ओके रॉयल चैंपियन को भी डिप्लॉय कर दिया, दो रेड स्पेल्स डिप्लॉय करे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, वेरी नाइस। क्वीन नीचे वाली साइड पे जा रही है, क्या बात है दोस्तों, ओवर ग्रोथ कर दिया भाई साहब ने यहाँ पे, मजा ही आ गया। सुपर हॉग राइडर्स आ चुके हैं बेस के बाहर, बेस के अंदर, सीसी से बाहर बेस के अंदर। ओके किंग भाई फंस चुका है उधर कोर में जाके, रूट राइडर्स बेस के बाहर, और यहाँ पे पीछे वाली साइड पे डिप्लॉय करे ढेर सारे सुपर बाबरीरियंस को। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी जा चुकी है, अभी भी भाई साहब के पास एक रेज, दोनों हीरोज की एबिलिटी है और दो फ्रीज। अरे वाह, किंग की एबिलिटी में कोर तो खत्म हो जाना चाहिए, पर किंग कहाँ जा रहा है भाई, बकलौल इंसान अंदर आ गया, चलो अच्छी बात है। फ्रीज है भाई, फ्रीज लगा दिया, वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। वक्त देखो, आर्मी देखो, फ्रीज देखो, क्वीन की एबिलिटी देखो, और बेस खत्म, 1 मिनट 23-24 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। ओके अगेन हमारी साइड से क्लाउस भाई साहब आ चुके हैं, और भाई साहब ये जो बेस है ना, इस बेस के ऊपर भाई बड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है ये दो इनविजिबिलिटी स्पेल टावर वाले बेसेस, यहाँ पे यार दिक्कत हो जाती है बहुत बार, क्योंकि भाई आर्मी आपकी पूरी भटकती रहेगी साइड में, और लास्ट में दिक्कत देगा भाई टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट। और क्लाउज यहाँ पे ओवरग्रोथ तो लेके आया है, सीसी के अंदर से सुपर हॉक्स निकल चुके हैं और उनको रेज कर दिया। रॉयल चैंपियन कर रही है भाई अपना काम, एक स्केलेटन स्पेल है क्लाउज के पास अभी भी, ये वाले बेसिस एक्चुअल में इस आर्मी को दिक्कत देते हैं भाई। ओके अभी तक तो अटैक क्लाउज का काफी अच्छा जा रहा है भाई, अभी भी ढेर सारे क्लाउज के सुपर बारबेरियन से तीनों हीरोज की एबिलिटी बच चुकी है, ढेर सारी आर्मी है, लेकिन यार टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट एक्टिवेट हो गया और रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी दे दी। चलो रॉयल चैंपियन यहां से खत्म कर देगी ये वाला कंपार्टमेंट, वेरी नाइस भाई साहब। किंग और क्वीन की एबिलिटी बची है, बाकी पूरी आर्मी तो भाई साहब गायब सी हो रही है, एक रेज है एक फ्रीज है, दोनों हीरोज की एबिलिटी मेरे हिसाब से तो खत्म ही है ये वाला बेस, ज्यादा कुछ बचा है नहीं इस बेस के अंदर। कम ऑन वॉल ब्रेक कर दे भाई, चलो वॉल ब्रेक कर दिया, किंग अंदर आ चुका है, क्वीन भी अंदर आ चुकी है, रेज है, किंग का एबिलिटी दे दिया, किंग का एबिलिटी मार दिया रेज के अंदर भाई साहब, अब ये वाला बेस खत्म है भाई। टू बी ऑनेस्ट इस वाले बेस के ऊपर उतनी आर्मी नहीं बची है जितनी पिछले अटैक्स के अंदर बची है, ये वाला बेस एक्चुअल में भाई इस वाली आर्मी को काफी ज्यादा दिक्कत देता है, सिर्फ दो हीरोज ही बचे भाई मुश्किल हो गया था ये वाला मामला भाई, ये वाली आर्मी नेक्स्ट लेवल है, पर यार कुछ बेसेस है ऐसे टाइप के जो दिक्कत देते हैं भाई। चलो ये वाला बेस भी ट्रिपल हो गया, वेरी नाइस। ओके क्लाउज भाई साहब आ चुके हैं अगेन अटैक के लिए, यहाँ पे एनिमी का किंग है, एनिमी के किंग के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है यहाँ पे क्वीन को, हेड हंटर को, सीज बैरक को नीचे 6 o'clock पे डिप्लॉय कर दिया। अब देखते हैं आर्मी स्पैम, ओके आर्मी स्पैम पूरा ईगल साइड से आ चुका है, बुढ़ा किंग सब कुछ आ चुका है, वेरी नाइस जॉब, एनिमी आरसी को खत्म कर दिया भाई वैल्करीज ने, बुड्ढे की एबिलिटी देके भाई किंग को एबिलिटी में फंसा लिया, वेरी नाइस। रॉयल चैंपियन को उतार दिया, टोर्नेडो ट्रैप निकल चुका है ट्रिपल आइस के ऊपर, पॉइजन स्पेल आ चुका है, क्वीन अपना अच्छा काम कर रही है। ओके ओवरग्रोथ क्या करेगा, मेरे हिसाब से टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट ओवरग्रोथ कर देगा क्लाउज, यहाँ पे फ्रीज कर दिया, रॉयल चैंपियन बहुत अच्छा काम कर रही है, किंग के पास एबिलिटी है, अरे बाप रे क्या ही ओवरग्रोथ कराया भाई सही टाइम पे, रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी, क्वीन के पास एबिलिटी, किंग के पास, तीनों हीरोज के पास एबिलिटी है, मतलब ये वाला बेस खत्म हो जाएगा आराम से, अभी भी एक रेज है फ्रीज है स्केलेटन स्पेल है, खत्म है भाई ये वाला बेस, स्केलेटन स्पेल को डिप्लॉय कर दिया है, वेरी वेरी नाइस जॉब। रेज मेरे हिसाब से लास्ट में आएगा टाउन हॉल कंपार्टमेंट के अंदर, क्या बोलते हो, क्वीन की एबिलिटी दे दी, किंग की एबिलिटी है, आरसी की एबिलिटी है, फ्रीज लगा दिया, रेज नहीं लगा रहा क्लाउज, रेज लगा देगा यहाँ पे टाउन हॉल के पास भाई, रेज है क्लाउज, लगता है क्लाउज भूल गया रेज है उसके पास, डाल दिया, चलो अच्छा है। ओके टाउन हॉल के पॉइजन में आर्मी फंस गई, पर लास्ट में ट्रिपल हो गया ये वाला अटैक भी। और भाई साहब इसी के साथ CWL हमारी खत्म हो चुकी है, हम लोगों ने कर दिया है 45 लास्ट मैच के अंदर, और इसी के साथ 380 स्टार्स टोटली हो चुके हैं, और डिस्ट्रक्शन हो चुका है 10,474। अब भाई साहब सीन ये हो चुका है, एक और क्लैन है सेम सदिया करके,
उन लोगों ने भी 380 स्टार्स करे हैं टोटली और उनका डिस्ट्रक्शन भी 10,474 है। तो भाई साहब रैंक वन अभी हमको मिलेगा या उनको मिलेगा पता नहीं। हम लोगों ने टाइम भी हर मैच के अंदर ज्यादा खींचा हुआ है, यहाँ पे भी देख लो 1:46 हम लोगों ने एवरेज ड्यूरेशन रखा इस मैच के अंदर और हर मैच के अंदर ऑलमोस्ट इतना ही है। और ये रैंकिंग आप लोगों को 11 तारीख के बाद देखने को मिलेगा CWL के लीडर बोर्ड के अंदर, देखते भाई क्या होता है। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना रैंक वन के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।